भी सुनी होगी टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन यानी कि जो टाइम है वो किसी का भी वेट नहीं करता और इसी वजह से हमें टाइम की वैल्यू भी करनी चाहिए टाइम क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वैल्यूएबल रिसोर्स है अगर हम चाहें कि टाइम दोबारा लौट के आ जाए या हम उस टाइम को बदल सके तो हम लोग गलत हैं हम टाइम को नहीं बदल सकते एक बार टाइम चला गया तो वो वापस कभी भी नहीं आता इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट का मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में ही बता दिया था उसमें पूरा एक टॉपिक था मैनेजमेंट के ऊपर आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं ठीक है तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है टाइम को अच्छे तरीके से प्रॉपर हर एक चीज़ को टाइम देना किस एक्टिविटी को ज़्यादा टाइम देना है किस एक्टिविटी को कम टाइम देना है वो हम कैसे मैनेज करेंगे वो आएगा टाइम मैनेजमेंट के अंडर ठीक है और ये तीन हमें डेफिनेशन्स दी हुई है तो आप लोग उसको पढ़ लेना लेकिन अब उन डेफिनेशन्स में क्या है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है टाइम से रिलेटेड ठीक है हमें किस चीज़ को कितना टाइम देना है क्या हमारे गोल्स हैं कि हमें ये अचीव करना है या वो अचीव करना है क्या हमारी प्रायोरिटी है कि मैथ्स को कितना टाइम देना है करिकुलर या फिर कोई भी करिकुलर या कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी को कितना टाइम देना है कितनी बार होना चाहिए तो ये सब जब हम मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं हम टाइम management तो देखो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और बेसिकली हम इन पांच चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं सबसे पहला है इफेक्टिव प्लानिंग इफेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि हमें अपने दिन को पहले से ही एडवांस में ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए प्लान कर लेना चाहिए कि आज के दिन में हम क्या करेंगे उसके लिए हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए टू डू लिस्ट क्या होती है कि आज हमें ये ये काम करने हैं वो लिस्ट बनानी चाहिए और कौन सा काम इंपॉर्टेंट है या फिर हम कौन से काम को कब करेंगे वो हमें टाइम टेबल एक तरह से हमें बोझ टाइम टेबल बना लेना चाहिए नेक्स्ट इज़ प्रायोरिटाइजिंग द टास्क अब इसमें क्या है 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 हमें ये देखना है कौन सी एक्टिविटी जो है और कौन सी नहीं सपोज आपका नेक्स्ट वीक आपका एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और उससे और दो तीन दिन बाद आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप पहले असाइनमेंट को इंक्लूड करोगे उसके बाद टेस्ट की भी रिविजन का आप टाइम डालोगे तो आपको ये देखना है कि आप कौन से टास्क को कौन कितनी प्रायोरिटी दोगे उस हिसाब से टाइम टेबल बनेगा उसके बाद है सेटिंग गोल यानी कि आपका क्या गोल है क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको ध्यान में रखते हुए टाइम को मैनेज करना होगा सेटिंग द डेडलाइन ऐसा नहीं है कि परसों असाइनमेंट सबमिट करना है लेकिन हमने आज करने बैठे हैं ऐसा नहीं है कम से कम हमें पहले ही मिला होगा वो ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी असाइनमेंट शाम में मिला है और सुबह सबमिट करना है तो इस वजह से हमें टाइम को मैनेज करना है और डेडलाइन से पहले अपना काम कंप्लीट करके रखना है अगर थर्सडे को काम देना है तो वो वेनजे या ट्यूजडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ना कि थर्सडे आफ्टरनून या थर्सडे नाइट तक तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और लास्ट चीज है राइट एक्टिविटी एट राइट टाइम यानी सही चीज़ का सही समय सपोज कल आपका मैथ्स का एग्जाम है और आप आज हिंदी करने बैठे हो तो वो टाइम वो चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी तो हमें राइट एक्टिविटी और राइट टाइम पे करनी है ठीक है तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अब इम्पॉर्टेंस क्या है टाइम मैनेजमेंट की क्यों ये ज़रूरी है क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है सबसे पहला ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आने की हमें ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता बिना टाइम वेस्ट करे हम आ, अपना कोई भी काम है प्रोडक्टिव वे से कर सकते हैं और उसकी लेवल भी बहुत अच्छी होगी हमारा इसी तरह से माइंड भी रिलैक्स होगा क्यों हमने पहले से ही एडवांस में वो काम कर रखा है सेकेंड है टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स और टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है और ये इसको हम वापस नहीं ला सकते ना बदल सकते इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बाद है रिड्यूस स्ट्रेस ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करेगा अगर हमने कोई भी काम तो जैसे कि अगर हमने कोई भी काम पहले से कंप्लीट करा है तो हमें लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस नहीं होगा इस वजह से स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है हाई क्वालिटी वर्क अगर हम प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो हमारा जो काम है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और हम बेटर डिसीजंस भी ले पाएंगे जैसे जो बाकी टाइम बचा है हमारा उसमें हम और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्टिव वर्क भी कर सकते हैं इससे हमें ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगी और ये डिसिप्लिन को भी क्रिएट करेगा यानि कि इट क्रिएट्स डिसिप्लिन फिर उसके बाद क्या होगा इट इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट यानि कि हम एडवांस चीज़ों के लिए भी रेडी रह सकते हैं मतलब हम अपने काम में एडवांसमेंट ला सकते हैं हमें और टाइम मिल जाता है लर्न करने का अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने का और लास्ट है इट बेटर uh, प्रोफेशनल रेपुटेशन यानी कि अगर आप काम टाइम पे सबमिट करते हैं अगर आपको अपने प्रिंसिपल को काम टाइम पे देना है बीइंग अ टीचर या आपको स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना है तो आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी कि ये टीचर जो है बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है और अच्छा भी लगेगा सबको नेक्स्ट है टाइम वेस्टर यानी हमारा टाइम वेस्ट किस चीज़ में होता है सबसे ज्यादा जैसे अभी हमने बोला कि हमें टाइम को मैनेज करके चलना है तो लैक ऑफ प्लानिंग जब हम प्लानिंग नहीं करते पहले से ही उस वो एक टाइम वेस्टर है सेकंड है प्रोकास्टिनेशन इसका मतलब है काम एक मतलब ऐसे बोलना कि ये काम मैं तो बाद में कर लूँगा बाद में कर लूंगा या फिर एक जिसको सिंपली हम बोल सकते हैं बाद पे छोड़ देना काम कल पे छोड़ देना वो होता है प्रोकास्टिनेशन इस वजह से भी बहुत टाइम वेस्ट होता है लैक ऑफ प्रायोरिटीज़ हमें यही नहीं पता हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर हमारे लिए गेम इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए स्टडीज इंपॉर्टेंट है तो ये प्रायोरिटी गेम भी इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अगर एग्जाम टाइम है और अगर हम गेम्स को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं वो भी सोशल मीडिया को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम देगा तो ये लैक ऑफ प्रायोरिटीज भी है वो एक टाइम वेस्टर है फिर आता है लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल जब हम किसी भी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे वो एक टाइम वेस्टर होगा अनक्लियर ऑब्जेक्टिव यानी कि अगर हमारे एम और ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है कि हमें ये करना है या वो करना है तो भी हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और इस वजह से क्या होगा हमारा टाइम वेस्ट होगा टू मच सोशलाइजिंग यानी कि हम ज़्यादा टाइम सोशलाइजिंग में यानी कि गॉसिप्स करने में या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा वेस्ट करते हैं तो ये भी एक टाइम वेस्टर होता है नेक्स्ट इज क्राइसिस मैनेजमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है अगर हम काम कोई बहुत जल्दी जल्दी करते हैं कि और जल्दीबाजी में क्या होता है काम बिगड़ जाता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है और ये भी एक टाइम वेस्टर है ओवर कमिटमेंट यानी कि जैसे आप बोलो कि अपने अपने सपोज़ प्रिंसिपल को ही आपने बोल दिया कि मैं एक फ़ाइल जो है वो आपको आधे घंटे में प्रिपेयर करके दे सकती हूँ लेकिन वो जो फाइल है वो एटलीस्ट दो से तीन दिन लेगी तो ओवर कमिटमेंट आप करेंगे वो भी टाइम वेस्टर ही है वो हमें नहीं करना चाहिए हम सबको अपनी अपनी पोटेंशियल पता होती है और उसी अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मैनेज करना चाहिए मीटिंग्स ठीक है विध बिना किसी रीज़न के अगर हम टाइम मीटिंग्स रखते हैं सपोज बिंग अ प्रिंसिपल या बिंग लीडर आप लोग कोई मीटिंग रखते हैं बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के या बिना किसी एजेंडा के तो वो भी एक टाइम वेस्टर होगा आप अपना भी और दूसरों का भी टाइम वेस्ट करेंगे लैक ऑफ डेलीगेशन यानी कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें रख रहे हैं कि जो जिसमें बस आप, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो उस वजह से क्या होगा अब वो भी एक टाइम वेस्टर होगा और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन आप में अगर खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो भी टाइम वेस्टर है इनकन्सटेंट एक्शन यानी कि आप गलत टाइम पे गलत चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर इस टाइम पे ये काम नहीं करना चाहिए जैसे कि एक प्रोजेक्ट है वो हमें नेक्स्ट मंथ सबमिट करना है लेकिन अभी दो दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है तो आपके एक्शन जो हैं इनकन्सिस्टेंट है इंटरप्शन यानी कि कई सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं बीच बीच में वो हमें चीज़ें नहीं करना चाहिए जैसे कि आप पढ़ने बैठे हैं तो पहले से आप खाना खा के बैठे ये नहीं कि बीच में उठना पड़े नेक्स्ट है इन टू से नो अगर ये काम आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा मिल रहा है आपके पास पहले से ही काम है और आपको नया आपने नए काम को मना नहीं करा तो आप दोनों में से कोई भी काम नहीं कर पाओगे ये भी एक टाइम वेस्टर है और नेक्स्ट है परफेक्शनिज्म कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता अगर आप ये सोच के काम करोगे कि मैं परफेक्ट हूँ वो भी एक टाइम वेस्टर है ठीक है तो हमने ये देखा कि अब क्या क्या टाइम वेस्टर होते हैं अब इफेक्टिव टाइम मैनेज करने के लिए यानी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होगी जो कि मैं आपको फोर्टीन पॉइंट्स में बताऊँगी सबसे पहला है प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम यानी आपको ये देखना होगा कि अपकमिंग आने वाले दिनों में आने वाले हफ्ते में आने वाले मंथ में क्या क्या टास्क हैं आपके उसे आप कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें प्रॉपर एसेस यानी कि सब चीज़ों का काम कि एक दिन में कितना काम है आपने कितना सोचा था और कितना हुआ इन सब पे आपको नज़र रखनी है एक्सेस करना है प्रायोरिटाइजिंग द टेस्ट यानी कि आपको अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा टास्क पहले होना चाहिए कौन सा बाद में रिड्यूस इंटरप्रिटेशन यानी कि आपको डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है एलिमिनेटिंग द इनरेवेंट एंड इन अननेसेसरी यानी जो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है जैसे गॉसिप्स वगैरह उसको आपको एलिमिनेट करना है यानी बिल्कुल खत्म करना है आगे का सोच के हमें प्लान बनाना है पर डे अवॉइड ओवरलोड यानी कि हमें ज्यादा काम नहीं लेना जितना हमारी पोटेंशियल है उसी हिसाब से काम करना है बी फ्लेक्सिबल बी फ्लेक्सिबल मतलब हमने अगर एक टेक्निक अपनाई है एक हमने टाइम टेबल बना लिया तो जरूरी नहीं है आप बिल्कुल उसी हिसाब से चलना है हाँ मतलब चेंजेस कि हमें uh, मौका देना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए चेंजेस अलाउ होने चाहिए अवॉइड प्रोकास्टिनेशन यानी कि अपना काम अगले दिन पर नहीं छोड़ना चाहिए तभी हमें साथ साथ उसे कंप्लीट करना चाहिए यू स्मॉल पॉकेट ऑफ टाइम एज वेल जैसे पाँच पाँच दस दस मिनट जो हैं वो हमारे व, व, हमें लेने चाहिए जैसे दो घंटे काम करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा जैसे एक घंटा काम करा फाइव टेन मिनट्स का ब्रेक लिया ऐसे अगर हम करेंगे तो हम कंसिस्टेंटली काम कर पाएंगे हैव अ विजन यानी कि पहले से ही आपको ये सोचना है कि आपके क्या गोल्स हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हिसाब से

हमें ये कुछ चीज़ें अपने माइंड में क्वेश्चन रखने चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये ज़रूरी है भी कि नहीं और क्या मैं इस काम को बाद में भी कर सकता हूँ कि नहीं करना चाहिए इस काम को मैं जल्दी कैसे कर सकता हूँ ये सब चीज़ें हमें अपने माइंड में रख रही है सो so, इस चैप्टर में हमने देखा टाइम मैनेजमेंट के बारे में हो पे आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम का मैंने ल, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया हुआ है और आपको मेरे चैनल में भी जाके टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड इफ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हफ़ वीडियोज टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग